हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन आइड। मैं हूँ पूर्वा। कैसे हैं आप सब? सो आज का वीडियो एक ट्रैवल व्लॉग है। सो आज मैं वापस बैंगलोर जा रही हूँ और खास बात यह है कि आज की मेरी फ़्लाइट लखनऊ से नहीं है, कानपुर से है, जो कि मेरा होम टाउन है। और ये आज मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है कानपुर एयरपोर्ट से। सो देखते हैं कि कानपुर एयरपोर्ट कैसा है और कैसी है वहाँ की फ़्लाइट सर्विस। सो ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है, बस अब निकलना है। सो चलते हैं फिर। सो कानपुर एयरपोर्ट चकेरी पे है, जो कि एयरफोर्स स्टेशन में ही है और मेरे घर से काफ़ी पास था। और कानपुर से फ़्लाइट स्टार्ट होने का एक सबसे बड़ा हम लोगों को एक फ़ायदा ये मिला है कि हमारे 2 आवर्स पूरे के पूरे बच गए हैं, जो लखनऊ जाने में वेस्ट होते थे। सो ये है कानपुर एयरपोर्ट, हम आ गए हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ा ये नहीं है, तो बाहर ही बहुत सारी बेंचेस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से है एंट्रेंस, ये है बैगेज ड्रॉप की क्यू। सो यहाँ पे कोई भी मशीन नहीं लगी है बैगेज स्लिप और बोर्डिंग पास लेने के लिए, सब कुछ मैन्युअली ही हो रहा है। सो बैगेज ड्रॉप करने के बाद हम ये सिक्योरिटी चेक की लाइन में लगे हैं, जो कि काफ़ी लंबी थी। हम लोगों ने सोचा था कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे एक टाइम पे एक ही फ़्लाइट होती है, तो हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई थी। और हमारी वाली फ़्लाइट डायरेक्ट बैंगलोर से ही आई थी और डायरेक्ट बैंगलोर की थी। बैंगलोर के पास पहुंचते ही वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लास्ट 1 वीक से वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी भी हो रही है। हमारी लैंडिंग भी बहुत तेज़ बारिश में ही हुई थी। आज फर्स्ट टाइम इस डिस्प्ले बोर्ड में हमने कानपुर का नाम देखा, जो कि काफी अच्छी फीलिंग देता है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा कानपुर एयरपोर्ट का अच्छा ही था। और बस वहाँ पे थोड़ा सा और उन्हें स्पेस एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी छोटा फील हो रहा था। एक टाइम पे वहाँ पे 2 फ्लाइट थी इस वजह से। ये है मेरे थोड़े से प्लांट, जिनको बचाने में मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बट थोड़े से चले गए, नहीं बच पाए। सो डैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। हो गए सारे फेस्टिवल्स, थोड़ी सी सफाई करूंगी और खाना तो घर से पैक होके आया है, तो बस वही खाना है। और अब बैंगलोर आ गई हो तो पूरी कोशिश करूंगी अब यूट्यूब में उतना ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट रहने की जितना मैं पहले थी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।